कर्नाटक में कांग्रेस के दांव के आगे बीजेपी पस्त नजर आ रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने लिंगायत समुदाय को जो अलग धर्म की मान्यता देने का ऐलान किया है, उसके आगे बीजेपी का हर दांव फेल रहा। लिंगायतों के 220 मठाधीशों ने बीजेपी को करारा जवाब देते हुए कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। अमित शाह के लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा नहीं देने के ऐलान के बाद यहां के मठाधीश पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा था कि जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तब तक कांग्रेस सरकार के इस फैसले को लागू नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि लिंगायत समाज के कांग्रेस को समर्थन देने के ऐलान से राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य में 17% लिंगायत समुदाय के लोग हैं, जो राज्य की 224 सीटों में से 100 सीटों पर खासा प्रभाव रखते हैं। कांग्रेस के समर्थन में चित्रदुर्गा के प्रसिद्ध मुर्गा मठ, बसव पीठ, सुतुर मठ समेत कई अन्य मठ भी आ गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अभी हाल ही में वीर शैवा धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी और उन्हें ये सुनिश्चित किया था कि केंद्र कर्नाटक को कांग्रेस सरकार के इस फैसले को खारिज कर देगा। दरअसल वीर शैवा भी लिंगायत समाज का ही एक हिस्सा है, जो कांग्रेस सरकार के इस फैसले का विरोध करता है। लिंगायत मठाधीशों के इस ऐलान के बाद अब राज्य का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर कांग्रेस का ये इकलौता बड़ा राज्य छीनना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस के लिए इस राज्य को बचाना नाक का सवाल बना हुआ है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।